तो जहाँ भगवान होगा वहाँ से ही मिलेगा। बोले तू चार धाम घूम कर इच्छा शास्त्र पढ़ा, कुरान 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 सब पर उनसे तुम्हारी आत्मा नहीं जागेगी, क्योंकि शास्त्र किसी ने लिखा, शास्त्र का वर्ड जो है वो प्रेस में आया, तो प्रेस हमको भगवान दिखाएगी क्या? जो वर्ड प्रेस में आया उसका एसेंस गया। देखो आप मेरे पीछे मूवी देख सकते हैं, टेप चला सकते हैं, तुम भी अपने से पूछो तो तुमको सामने आने में क्या होता है और मूवी देखने में उसमें क्या होता है, कुछ भाव होता है ना? आग के आग कैलेंडर में है तो भाई सीता जल रही है आग में, कैलेंडर तो साफ है, कैलेंडर को कुछ लगता नहीं। ऐसे जो सच्ची आग है तो कोई जल भी सकता है, मर भी सकता है, वाइब्रेशन आएगा तो तुम उसके ऊपर कुर्बान जाएगा। पर जो ये चीजें है जड़ चीज, वो तो न होने से ठीक है पर सच नहीं है। आदमी को बीमारी लगती है तो बोलता है कैसा भी पैसा खर्च करके तुम्हारी हम चेकअप करा के आएंगे, ऐसा करके आएंगे, पर भगवान की कोई वैल्यू नहीं रखी। तो भगवान का दर्शन मैं करने जाऊं, तू भक्त है भगवान इधर कभी आएगा मैं दर्शन करूं, इतनी वीकनेस है, इसी बीच में तू न रहो कुछ न रहे तो तुम दर्शन तो नहीं कर सकता ना। ऐसे ही लोग कैसे है नींद में, जो मैं पहले बोला नींद में है, मना दर्शन करने के लिए टाइम नहीं है, पता नहीं पैसा नहीं है, फुर्सत नहीं है, मोह और काम में उसकी बुद्धि नाश है। मोह और काम मनुष्य को हरण करके बैठा है, तो पकड़ के बैठा है मोह और काम, बुद्धि चट है, नाश है, ये नहीं सोचता है कलम है न है। पर आज तो भगवान का दर्शन करके आए तो पीछे में खाना खाएगा, ये ऐसे तुम करते हैं तो कई लोग ऐसे मर जाते हैं, कई दुनिया में मौत में ही मरते हैं, वो अंत समय बोलता है मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा है तो माना आ रहा है, जो जाएगा सो आने के लिए, तो गया तो मरा, आया तो जन्म लिया। पर आना जाना सतगुरु बंद कर दे तो मैं ऑलवेज हूँ ही हूँ, मेरे में ना आना है ना जाना है ना करना है, ऐसी मुक्ति ये तुमने नहीं समझी तो दुनिया के लिए तुम कितना अपने को गंवा के बैठा है, अपने ओन सेल्फ को तुम लोग गंवा के बैठे है, नहीं जानते है तो आज है कल नहीं है, इतना तुमको वैराग नहीं है, तर्फ नहीं है, लगन नहीं है। एक दफे एक गुरु है, अभी प्रेजेंट में गुरु था, वो जंगल में बैठा था तो किसी ने बोला तुम पानी गिलास लेके आओ, तो वो पानी गिलास लेके आया एक मनुष्य, ठीक तुमने गुरु किया है, मैं पानी तब पिएगा जब गुरुवान होगा, निगुरा होगा, मैं पानी नहीं पिएगा। उसको जवाब दिया तो मैं पानी नहीं पिएगा, पहले बता तुमने गुरु किया, उस बेचारे की नींद आराम हो गई, उसको पानी गिलास जो है नहीं उसने पिया, जंगल में प्यासी का प्यासी वापस घर आया, पर उसकी नींद आराम हो गई। मैं नुगरा मैं रह गया नुगरा, ये क्या बात है। बस उस दिन से उसका कोई भाभी का डैडी था, वो उसी टाइम गुरु था, उसके पास गया, भाभी को बोला अभी मेरे को लेके जा, कि मैके में ऐसे कैसे जाएंगे बिन बुलाए, अपमान होगा, कहीं अपमान हो या मान हो तुम मेरे साथ है। वो लेके गई, बस उस दिन से उसने गुरु किया। वो आदमी 70 बरस का था, 70 बरस में उसने नाम सुना और चला गया। माना उसी का ज्ञान ऐसा होता है माना जल्दी में इमीडिएटली, क्योंकि उसको मालूम था शरीर आ जाए कल नहीं होगा। तो ऐसे कईयों को इस ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है, पर तुम्हारे पास मुक्ति की कमी नहीं है। तुम ऐसे बोलेगा घर गृह में शांति है, अब मेरे को ये मिला वो मिला, भगवान का संग किया, पैदा हुआ बीमारी उतर गई, बेटा हुआ फलान हुआ टीरा हुआ, मतलब तुम सकामी आदमी बैठे है मेरे सामने, मैंने नहीं उसको उत्कंठा देखी है, तो जगत आपे ही चलेगा, जगत आपे ही चलेगा, जिसकी जो प्रारब्ध होगी
जिसका जो दुनिया में हक होगा वो भगवान उसको देख देगा। राम जल के राम जपीला तिलका कम सब पानी थी। जो भी सत्संग में आएगा उसका काम आप ही होगा, पर जो हम लोग को मन लेके बैठा है तो ये चीज कब होगी, ये काम मेरा पूरा कब होगा, होगा ही। तुमने मन रखा भगवान से निकाल के किधर मन रखा, ऐसा लगाएगा तुमको, ऐसा तुमको कहीं मिलेगी तो भगवान से मन करके तुमने किधर रखा। समझो इतने को ज्ञान मिला भी है पर वो अभी परफेक्ट नहीं है, अभी मैं शुद्ध बुद्ध नहीं हूँ, अभी मैं पूरा सत्य में नहीं टिका हूँ। उसमें क्या कमजोरी है, जो लोग पुरुषार्थ करेगा इस ज्ञान के लिए, इस भगवान के लिए, उस पर मिलेगा।